हेलो दोस्तों, द मैथ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आपका। तो अब तक अपनों ने कर लिया एक्सरसाइज 9.1 के 4 क्वेश्चन कर लिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देखिए। आज अपने करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई भी ढाल नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया गया अपने को, जो इसकी लैंग्वेज है, इसको अपने को एक समकोण त्रिभुज में निरूपित करना है। तो समकोण त्रिभुज में इसे कैसे निरूपित करेंगे? एक पतंग उड़ रहा है और ये पतंग क्या है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी अपने पास, 60 मीटर हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगी 60 मीटर अपने पास, और ये 60 मीटर की ऊंचाई पर। अब देखो पतंग उड़ेगा कैसे, पतंग यूं उड़ता है हमेशा, तो पतंग यूं उड़ता है, तो ये उड़ रहा है अपने पास पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, ये उड़ रही है पतंग, और ये भूमि के साथ, अब ये कहता है झुकाव इसका कितना है, 60 डिग्री, ये हो जाएगा अपने पास 60 डिग्री। अब अपने समकोण को नाम देते हैं, समकोण त्रिभुज को नाम देते हैं ए बी सी। ये कहता है डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो डोरी तो यही है अपने पास, ठीक है, पतंग उड़ाते हैं अपने यही उड़ाते हैं, ठीक है, तो डोरी क्या होगी ये वाली, और ऊंचाई इसकी 60 मीटर है और ये झुकाव इसका है 60 डिग्री, और फिर ये कहता है कि डोरी में कोई ढाल नहीं है, ठीक है, तो ये यूं नहीं है पतंग के अंदर कोई, इसकी डोरी में कोई ढाल हो, एकदम सीधी है, एकदम तनी हुई है डोरी, ठीक है, इसलिए एकदम क्या है स्ट्रेट। ये हो जाएगा अपने पास एक समकोण त्रिभुज, अपने लिख लेंगे सबसे पहले दिया है, जो भी वैल्यू गिवन है वो लिख लेंगे अपने। ए बी इज इक्वल टू में अपने को दिया गया है 60 मीटर, और क्या दिया गया अपने को, थीटा दिया गया है, ए सी बी इज इक्वल टू में 60 डिग्री। ज्ञात क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है अपने को डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है अपने को, और डोरी है एसी, तो एसी की वैल्यू अपने को क्या करनी है ज्ञात। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको हल। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो एबीसी में अपने को एक ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए जिसके अंदर, जिसके अंतर्गत क्या आता हो, लंब और करण, ठीक है, क्योंकि 90 के सामने हुआ जो भुजा वो करण होती है, और जो थीटा के सामने होती है वो लंब होती है, तो लंब और करण का रिलेशन अपने को चाहिए। तो अपने ट्रिक लगाएंगे लाल बटा कक्का, और लंब और करण का रिलेशन होता है दोस्तों साइन थीटा, तो इसमें साइन थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज करेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू में क्या होता है, लंब बटा करण, तो लंब है ए बी और करण है ए सी, और थीटा की वैल्यू दोस्तों 60 डिग्री है, तो ये आएगा साइन 60 इक्वल टू में ए बी बटा ए सी, ए बी की वैल्यू है 60, ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो ये आ जाएगा √3/2 इक्वल टू में आएगा 60 बटा ए सी, ए सी की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है, तो ए सी की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, ए सी का √3 से गुणा करेंगे, ए सी √3 और 2 का 60 से गुणा करेंगे, 60 × 120, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब √3 गुणा में इधर आके भाग में आ जाएगा 120/√3, √3 रहना नहीं चाहिए बटे में, तो इसका अपने परिमेयकरण कर देंगे, तो ये आएगा 120√3, और √3 × √3 क्या होता है 3, ओके, अब ये कट रहा है 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, तो AC इक्वल टू में आ जाएगा 40√3 मीटर, तो 40√3 मीटर ये क्या आ चुका है दोस्तों, ये डोरी की लंबाई, ये कोई और नहीं है, ये क्या है, डोरी की लंबाई, तो जो डोरी की लंबाई है वो क्या आ चुकी है 40√3 मीटर। तो इस प्रकार दोस्तों अपनों ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, इसमें डोरी की लंबाई पूछी गई थी और डोरी की लंबाई आ चुकी है 40√3। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, अगर आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर तो कमेंट सेक्शन में डाउट लिखना ना भूलिए। थैंक यू।